सर एक तो मुझे बैठ के सांस नहीं आता मेरी, यहाँ पे रुकता हूँ ना तो ये नस बहुत गर्दन में को खींचती है गली, और नाड़ जो ऐसे तिरछी हो जाती है, पैर ये ऐसे वाइब्रेशन करते रहता है, ये पैर बिल्कुल काम नहीं करता सर, और ये हाथ बिल्कुल काम नहीं करता सर, ये हाथ में ऐसा खिंचाव रहता है, ये नस इधर को खींचती है सारी, खबे में को बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे मानो सर बैठ के बिल्कुल भी सांस नहीं आता, और बस ऐसे झुकने पे थोड़ा सांस आता है, और सर मानो परेशानी इतनी है 3-4 साल से, जो खाना भी जो ऐसे लौट के खाना खाता हूँ सर, और वो मैं भी नहीं खाता सर, खिलाते हैं मेरे दोनों हाथ, ये ऊपर आते नहीं, देखो ये बस इतना ही उठता है सर, और ये सर इससे आगे नहीं आता हाथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाहिद खान। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा या आप वीडियो देख रहे हैं, एक हमारे भाई हैं जो पिछले 4 साल से चल नहीं सकते, बेड रेस्ट पर हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बेटा है जो कि 5-6 साल का है, 2 बेटियां हैं, और 4 सालों से अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में बेड रेस्ट पर हैं, मौत की तमन्ना कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी हेल्प की है उनकी कि उनको एक व्हील चेयर दिलाई जाए, कुछ कैश हमने दिया है, उसके साथ साथ एक छोटी सी खुशी हमने बांटी उन बच्चों में, जो बच्चों को साल में एक दफ़ा कपड़े मिलते थे, वो थोड़ी सी हमने खुशी उनके चेहरे पर लाने की कोशिश की है। अभी हम आप देख सकते हैं मेरठ में हैं, और मेरठ में आके हमने मदद की है। तो इस वक्त हम हैं मेरठ की गलियों में, और यहाँ पर हमारी गाड़ी नहीं आ सकती थी, तो अब हम जा रहे हैं हमारे भाई के लिए व्हील चेयर लेने के लिए, और साथ साथ तीनों बच्चे हमारे साथ में माशाल्लाह, और तीनों बच्चों को हम दिलाएंगे नए कपड़े, एक सरप्राइज देंगे अपने भाई को। तो चलते हैं मेरठ और फिर बच्चों को करते हैं खुश। फाइनली हमने व्हील चेयर ले ली है अपने भाई के लिए, और उसको पैक करा रहे हैं, और फिर जाएंगे मैं उनके गांव से, उनका जो गांव है वो है जानी खुर्द, जो कि मेरठ में लगता है, और हम वापस अब मेरठ आए हैं, मेरठ से फिर उनके गांव जाएंगे और भाई को सरप्राइज देंगे। चलिए देखते हैं। अभी तीनों बच्चों को कपड़े दिला दिए, इंशाल्लाह खुश हो बेटा, ये बेटा खुश हैं, और अभी पूरी वीडियो हमने आपने देखी होगी किस तरह से इनके वालिद साहब पिछले 4 साल से बेड रेस्ट पे हैं, और बच्चे भी चाहते होंगे कि हमारे अब हमारे लिए कुछ ले गए, लेकिन मजबूरी है, नहीं ला सकते, तो हमने छोटी सी कोशिश की है इनको कुछ कपड़े दिला के खुशी बांटने की, और एक व्हील चेयर दिलाई है। तो आप भी कर सकते हैं ये काम, और ये काम सभी कर सकते हैं जिस भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि खिदमत करने से खुदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हम पहुँच गए हमारे भाई के घर पर, और हमें उनको देना एक सरप्राइज़, और उन्होंने कहा था कि मुझे एक व्हील चेयर की ज़रूरत है, जो हम उनको, तो फाइनली आ गई है व्हील चेयर हमारे भाई के लिए, और एक कपड़े ले जा, बच्चों के लिए आ गया है ये कपड़े। लो बेटा, मेहताब भाई के लिए व्हील चेयर आ गई, एक सरप्राइज़ हमें देना था, और वो देंगे इंशाल्लाह अचानक से जाके, देखते हैं कितने खुश होते हैं मेहताब भाई। मेहताब भाई अभी सो रहे हैं, देखते हैं जगाएंगे उनको अभी हम। मेहताब भाई परेशान हो गए, ये सोच रहे थे कि पता नहीं मुशाहिद भाई कहाँ चले गए, बच्चों को लेके चले गए। तो आपने हमसे कुछ कहा था ना, कुछ चीज लाने के लिए, क्या कहा था सर? व्हील चेयर लाने के लिए कहा था। आज हम पूरे दिन से निकले हुए हैं जी सर, और व्हील चेयर आप, मतलब आपके पैर, आप कहीं चल फिर सके इसलिए ना जी सर, जैसे बाहर बैठ के कोई जी घुमा ले मुझे बिठा के। तो ये आ गया आपके पैर जी सर, ये आपकी व्हील चेयर, ठीक है भाई। पूरा मेरठ बंद था आज, पूरा मेरठ, हम इसलिए भाई खोलना है सर। मेहताब भाई, आप तुम इस पे बैठ के दिखाओगे हमें जी सर, ठीक है ना? आप इस पे हमें बैठ के दिखाओगे, और हम देखना चाहते हैं कि आप इस पे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो। आज पूरा दिन हो गया हमें घूमते घूमते, सुबह 10 बजे से शाम के करीबन 6-7 बजे, देख सकते हैं आप,
ये वक्त है, ये ठंड का वक्त है, बता दो ठंड का वक्त है। आराम से, आराम से। मेहता भाई, अभी बाहर आ रही है बारिश, आपकी व्हीलचेयर होगी रेडी, अब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप गांव में तो घूम सकते हो। जी सर। सर नहीं यार, भाई हूँ मैं आपका। जी जी भाई जान। खुश हो? जी बहुत खुश हो सर, जब लो सांस चलेगी आपके लिए दिल से दुआ करूँगा। अरे नहीं, ये तो सबका अल्लाह आपको बिल्कुल, आपके बच्चों को, परिवार को, पूरी जिंदगी आपको सर खुश रखे। मेरे से कोई गांव में देखने तक नहीं आता, कोई बात करने तक को तैयार नहीं, आप कम से कम मेरे फ़ोन पे इतनी दूर से आए सर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। मैं गरीब कई साल से खाट पे टट्टी पेशाब कर रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ सर, चीज चबा के मैं इतना परेशान हूँ, जिस ऑपरेशन ऐसा हुआ जितना रात दिन इधर को चमड़े की तरह खींची रहे, तो पानो रोल हो गए, आंसू भी नहीं आते सर, सो गए, तकलीफ बहुत परेशान, क्या करो सर। आज आपके तीनों बच्चे देखो, आओ बेटे हटाने से, तीनों बच्चे खुश हैं, ये देखो, पूछो इनसे खुश हैं ये? हाँ खुश है बेटे, कपड़े मिले तीनों को, खुश हो बेटा, खाना खा खाए है? आज घूम के आए पूरे मेरठ में, पता नहीं कब गए होंगे घूमने के लिए। ये बेचारे कहीं को जा। चले आफ्ताब भाई, परेशान नहीं होना, ठीक है ना, अल्लाह है ना, अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, ठीक है ना, इज्जत जिल्लत सेहत सब अल्लाह के हाथ में है। अब बेफिक्र रहो आप, ये हमारे भाई बहुत चार साल से परेशान है, उनका इनके मैं दिखाना चाहूंगा, एक पीछे आओ एक बार, ये ऑपरेशन हुआ था इनका, ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन है, और जिस वजह से ये इनका जो पार्ट है, बैक बोन है, वो काम नहीं करती। ये परेशान मत हो भाई, ठीक है, भाई ये 5,000 रुपये हैं। जी सर। ठीक है ना, तुम्हारे छोटे भाई की तरफ से? नहीं सर, आप तो नहीं। क्या बताऊँ सर, मुझे मेरे बच्चे तुमने तो बताई कि मतलब परेशान मत हो, ठीक है ना, अल्लाह खैर करेगा। तो इनकी वाइफ की अकाउंट डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इनके आपके वाइफ का अकाउंट नंबर है? नहीं सर। कौन से बैंक? पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है, वो हम डाल देंगे इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट नंबर हम डाल देंगे, और जितनी जो आप मदद कर सकते हैं, जितनी भी आप मदद कर सकते हैं, आप मदद कीजिए मेहताब की, कि कम से कम मेहताब अपने बच्चों में दोबारा से ठीक हो सके, चल सके, कम से कम अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।